आज अपन कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कला और वाणिज्य। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कला और वाणिज्य के लिए अर्थशास्त्र अब एक ही है। बच्चों ये जो पीडीएफ है समष्टि एक परिचय है ना, और इसकी आपको आपको एक समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। इसको आप क्वेश्चन बना के इसका आंसर लिखोगे और इसको लर्न करोगे है? और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना, इनके पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे और याद करोगे। आपको पूरा पीडीएफ देख के क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपको होमवर्क दिया जाता है, कहा जाता है, तो आपका ये गृह कार्य में यही आएगा बेटा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं या परस्पर हैं, इसका आंसर है बेटा। आप इसको पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज याद करोगे क्योंकि हमेशा परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आज अपन समष्टि अर्थशास्त्र के एक परिचय, उसका क्षेत्र पढ़ेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, बड़े समूह हैं, औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक इकाई, व्यक्ति की इकाई, इनका अध्ययन नहीं, समूहों के आधार पर इनकी गणना करते हैं या इनका अध्ययन करते हैं। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में अनेक सिद्धांत हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर, मौद्रिक एवं मौद्रिक बैंकिंग समस्या में भी इसका अध्ययन किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, मतलब रोजगार के सिद्धांत आदि में समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित है। पहला है बेटा आय तथा रोजगार का स्तर का निर्धारण। सबसे पहले इकाई पर आधारित है कीमत। आय तथा रोजगार का स्तर समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय सामग्री है। आय, आय से मतलब समझते हो बेटा जो अपन को प्राप्त होती है अपन श्रम करने के बाद जो करते हैं। रोजगार, रोजगार भी आप अच्छे से जानते हो क्या होता है ना। अपन किसी कार्य को करने के लिए उसमें कार्यरत होते हैं, उसे रोजगार अपन रोजगार अपन को। तो आय और रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग द्वारा मांग में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में तेजी से मंदी की दशा उत्पन्न होकर आय स्थिरता को जन्म देती है। फिर है दूसरा सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति का विश्लेषण। मुद्रास्फीति का उत्पन्न कारण क्या है? पहला कीमत। वर्तमान विश्व को सबसे कष्टदायक है इसकी, तब जो कीमत पर क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर और स्फीति, तब कीमत बढ़ने पर मुद्रा की कमी को स्फीति कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था तरह की अर्थव्यवस्था में से पीड़ित है। आर्थिक विश्लेषण के द्वारा स्थिति, कीमत वृद्धि और अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण है। तो जो वो है आर्थिक विश्लेषण है, जो वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक विकास के लिए सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विकास के लिए सिद्धांत। आर्थिक विकास अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण शाखा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में अनेक देशों को गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आर्थिक विकास की समस्या को आर्थिक नियोजन की सहायता से हल करने का प्रयत्न किया गया। तब आर्थिक साथ साथ विकास और नियोजन का दायित्व राज्य सरकार ने स्वीकार किया। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का कार्य मतलब ये अभिन्न अंग है। क्या? विकास। विवरण पर समष्टि सिद्धांत। विवरण की अनेक समस्याएं जैसे कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन, विभिन्न साधनों का परिश्रम, आय का विवरण किस प्रकार किया जाएगा, ये सब क्या करता है, कौन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत का मुख्य विषय है। वितरण विवरण का समस्त
राजस्व का सिद्धांत, राजस्व मतलब जो राज्य में जो मतलब कर इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं राजस्व। राजस्व में अनेक प्रधान जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, आर्थिक नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के क्या हैं, ये विषय है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के पारस्परिक निर्भर या समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति एवं समस्त आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं, हालांकि व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में पृथक हैं, किंतु आर्थिक समस्याएं होती हैं। विश्लेषण के द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों प्रणाली में कोई भी एक प्रणाली आपको पूर्ण नहीं है। प्रत्येक प्रणाली में एक प्रणाली की सीमा तथा दोष दूसरी प्रणाली को दूर करने के लिए लिए जाते हैं और इसकी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार पर अपन स्पष्ट कर सकते हैं। तो समष्टि व्यष्टि विश्लेषण व्यापक आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आर्थिक विश्लेषण की समस्या आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वो समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की समष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ जो संबंध है उसे निम्नलिखित तत्वों के आधार पर अपन क्या कर पाएंगे बेटा, स्पष्ट करेंगे। तो पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, नीतियों का निर्माण करने के लिए, वैयक्तिक इकाइयों का विश्लेषण करने के लिए करना पड़ता है। व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करना आर्थिक विश्लेषण से नहीं हो सकती, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित होती है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो काय पर आधारित है, समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अधिक से अधिक वस्तुओं की क्या करते हैं, मांग, मतलब कोई वस्तु की मांग। यह समझा जाता है कि फर्म मांग बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ेगा तो फर्मों में उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। जबकि कब होगी, जब अपन मांग बढ़ेगी तब फर्मों में उत्पादन की भी लागत क्या होगी, उनको बढ़ाने में वृद्धि होगी। फर्मों के लिए अधिक कीमत पर उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि हो जाने पर कुछ वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। और कुछ वस्तुओं की मांग कैसी हो जाती है, कम। जब वस्तु की मांग बढ़ेगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या प्रवृत्ति सही सही जानकारी तभी प्राप्त होती है जब तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान है। लोग परिवार की धर्मों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विश्लेषण का कार्य व्यष्टि विश्लेषण के अभाव में मतलब कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। फिर व्यक्ति आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता है। जिस प्रकार समस्या आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्ति आर्थिक विश्लेषण आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण की अति आवश्यक स्पष्ट किया जाता है। इसी आधार पर मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण को स्पष्ट करने का आधार किया जा सकता है। किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करते समय समाज की संपूर्ण मांग की क्रय शक्ति, समाज के स्तर, आय के स्तर, ऐसे छोटी छोटी बातें जो बातें होती हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी फर्म मूल्य मजदूरी उत्पादन को स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। अपन छोटा उत्पादन करते हैं, कोई फर्म लगाते हैं, उसके लिए अपन स्वयं मजदूरी और उत्पादन कराने के लिए क्या है, स्वतंत्र रूप से अपन उसको निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी फर्म कितना माल विक्रय कर सकेगी, फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत पर निर्भर करते हैं। मतलब फर्म है कौन सी वस्तु उत्पादित करती है उसकी कीमत वह स्वयं निर्धारित करेगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज के लोगों को क्रय शक्ति कितनी है। मतलब कोई वस्तु का उत्पादन हुआ
समाज के लोग उसको कितनी मूल्य स्तर चाहे कितना भी कम क्यों ना समाज में वस्तु की बिक्री अधिक हो। इसके विपरीत वस्तु की कीमत अधिक होने पर वस्तु की बिक्री भी अधिक हो। समानता एक व्यक्ति उत्पादन उत्पत्ति के साधनों मजदूरी पर निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत किया जाना चाहिए उनके क्षेत्र में आता है, किंतु व्यवहार ऐसे नहीं है। उत्पादक अपने साथ मजदूरी का निर्धारण केवल अपनी फर्म की शक्तियों के अनुसार ही कर सकता है। अपनी फर्म की शक्ति के अनुसार वह अन्य संबंधी तथ्यों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की कार्य की पूर्ति के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि व्यष्टि और समष्टि आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना समष्टि मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की क्या है आधार पर है। इन दोनों का आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे पर आश्रित है। दोनों मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। एक के अभाव में दूसरे का विश्लेषण अधूरा है। इसके अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विकास हुआ कितने अंश में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रभाव पड़ा सामग्री अर्थ अर्थशास्त्र पर लिखी गई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के आरंभ से ही व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से विभाजन एक निश्चित सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती क्योंकि एक दूसरे के परस्पर हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक क्यों पूरक हैं स्पष्ट कीजिए, ये आपका प्रश्न है। आपको इसमें आपका एक गृहकार्य है, आपको करना है, कॉपी में लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं स्पष्ट कीजिए और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र वर्णन कीजिए। धन्यवाद।